हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल हेल्थ टिप्स हिंदी में। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ, इमली खाने वालों, यदि आप भी इमली को खाकर इसके बीजों को फेंक देते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें। इमली का इस्तेमाल खाने पीने की चीजों में खट्टापन लाने के लिए किया जाता है। सांभर, छोले, चटनी या फिर कैंडी बनाने में मुख्य रूप से इस्तेमाल की जाने वाली इमली के स्वास्थ्य से जुड़े भी कई फायदे हैं। इमली साग सब्जी, दाल, चटनी आदि कई चीजों में डाली जाती है। इमली का स्वाद खट्टा होने के कारण ये मुँह को साफ करती है। पुरानी इमली नई इमली से ज्यादा गुणकारी होती है। इमली के पत्तों का सब्जी और फूल की चटनी बनाई जाती है। दरअसल इमली में भरपूर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है, साथ ही इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी भरपूर होती है। इसके अलावा इसमें कई उपयोगी लवण जैसे कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीज, आयरन और फाइबर भी पाए जाते हैं। लेकिन कम ही लोगों को पता होगा कि इमली के बीजों का इस्तेमाल आपको चमत्कारी फायदे दे सकता है। तो आइए जानते हैं इमली के बीजों के चमत्कारी फायदों के बारे में। सफेद दाल, इमली के बीजों की मिंगी और बावची दोनों को बराबर मात्रा में पीस कर लकड़ी से लगाने से सफेद दाग में लाभ मिलता है। पेट दर्द, 2 ग्राम इमली के को शहद में मिलाकर चाटने से लाभ मिलता है। बिच्छू का विष, इमली के सेके हुए बीज को घिसे, जब इसका सफेद भाग दिखे तो इसे डंग के स्थान पर लगा दीजिए। ये बीज जहर चूस कर अपने आप ही हटकर गिर जाता है। आँख के ऊपर होने वाली फुंसी, इमली के बीजों के ऊपर का लाल छिलका हटाकर पानी के साथ घिसकर गुहेरी पर लगाने से बहुत लाभ मिलता है। दाद, इमली के बीज को नींबू के रस के साथ पीस कर लगाने से दाद ठीक हो जाता है। बवासीर, इमली के बीजों का भस्म बनाकर 1 से 2 ग्राम की मात्रा में दही के साथ मिलाकर लेने से खूनी बवासीर ठीक हो जाती है। अथवा इमली के बीज 50 ग्राम छिल लें और भूनकर चूर्ण बना लें। 6 ग्राम चूर्ण दही में मिलाकर रोज खाएं। आवाज का बैठ जाना, इमली के 1 ग्राम पुराने फलों के चूर्ण को शहद के साथ दिन में 3 बार सेवन करने से बहुत अधिक लाभ मिलता है। दस्त, 3 से 6 ग्राम इमली के बीजों का चूर्ण पानी के साथ सुबह शाम सेवन करने से अतिसार और आमतिसार मिटता है। चेचक, इमली के बीज और हल्दी का चूर्ण ठंडे पानी के साथ पीने से चेचक का रोग नहीं होता है। लीवर की खराबी, 20 ग्राम इमली के बीज को 250 ml पानी के साथ रात को भिगो दें। सुबह मसल कर छान लें, इसमें चीनी मिला लें। रोजाना 3 से 4 दिन पीने से जिगर को आराम मिलता है, शरीर को शक्तिशाली बनाता है। इमली के बीजों को लेकर इसे पानी में भिगोकर रख दें। इन बीजों को 3 दिन तक पानी में भीगने दें। 3 दिन के बाद इन छिलकों को पानी में से निकालकर इनका छिलका उतार लें और इसमें इमली के बीजों के जितना ही गुड़ मिलाकर अब इन दोनों को मिलाकर लगभग 6-6 ग्राम की गोलियां बना लें। सुबह शाम एक एक गोली का सेवन करने से शरीर शक्तिशाली बनता है और सभी प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं। गला बैठना, 1 ग्राम पुराने इमली के फल का चूर्ण 4 से 6 ग्राम शहद के साथ दिन में 2 बार लेना चाहिए। पेशाब का बार बार आना, इमली के बीज सुबह 10 ग्राम की मात्रा में पानी भिगो दें। रात में इसका छिलका उतार कर अंदर की सफेद मिंगी का सेवन करके ऊपर से गाय का दूध पीने से बहुमूत्र यानी बार बार पेशाब आने की समस्या ठीक हो जाती है। इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि कच्ची इमली भारी, गर्म और अधिक खट्टी होती है। जिन्हें इमली अनुकूल नहीं होती उन्हें भी पकी इमली से दांतों का खट्टा होना, सिर दर्द और जबड़े में दर्द, सांस की तकलीफ, खांसी और बुखार जैसी समस्याएं हो सकती हैं। तो इसलिए इसका आप सीमित मात्रा में ही सेवन करें। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या फिर आप किसी परेशानी का हल ढूंढ रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल हेल्थ टिप्स हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे आपकी प्रॉब्लम हमारी सॉल्यूशन के साथ। मैं आऊंगी रोजाना नए नए घरेलू उपचारों के साथ, जिससे आप अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। तब तक के लिए फिट रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। थैंक यू।